प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर, जिला कृषि अधिकारी संजय चौधरी सहित विभागों के अधिकारी और बैंकर्स मौजूद रहे। बैठक में किसानों के फसलों की बीमा को 31 जुलाई तक किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अब स्वैच्छिक कर दिया गया है, जिसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को 31 जुलाई तक योजना में प्रतिभागिता नहीं करने के संबंध में अपनी लिखित सहमति देनी होगी। यदि किसान जिस बैंक शाखा से फसली ऋण लिया है उस बैंक को लिखित में अवगत करा देता है तो उसके केसीसी में प्रीमियम की कटौती नहीं होगी एवं योजना में सम्मिलित नहीं होंगे। यदि किसान लिखित में सूचित नहीं करते हैं तो उसके केसीसी से फसल बीमा की प्रीमियम की कटौती की जाएगी। जो किसान अपने बैंक शाखा नहीं जा सकते वो अपना हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र ईमेल संबंधित बैंक शाखा को भेज सकते हैं, जिससे उनके केसीसी में बीमा का प्रीमियम ना काटा जा सके। सर, ये 21 तारीख को रात में अधिसूचना इसकी जारी हुई है, यहाँ पे कॉल अप नहीं हुए हैं सर। अभी मैंने आरएम में इनके आरएम जो लखनऊ में बैठ के उनसे बात की, वो कह रहे हैं ये आज उनके जनपद स्तर के प्रतिनिधि फाइनल हो रहे हैं और मंडे तक वो रिपोर्ट करेंगे। तो इसी संबंध में मैंने बात किया था तो बता रहे हैं इनके अभी जनपद स्तरीय प्रतिनिधि नामित ही नहीं है, तो आज वो प्रक्रिया वो पूरी कर रहे हैं और मंडे को वो रिपोर्ट करेंगे। मैंने उससे कहा है कि अब केवल हफ्ता भर रहेगा, एक्सटेंड होगा क्या? नहीं सर, है सर फिलहाल तो 31 जुलाई वही फार्मर्स के लिए इस बार वो ऑप्शन कर दिया है। अगर किसान इच्छुक है तो वो देगा, नहीं तो अनिच्छुक है तो बैंक में लेकर दे देंगे किसान 24,000 के बाद में। बैंक को तो भी क्या 21 जुलाई के पहले वहाँ जमा करना होगा कंपनी को? 31 जुलाई तक अभी अच्छी व्यवस्था नहीं थी इस साल, वो हुई है तो अब 24 तारीख तक उनको भी जो पूछना था वो पूछ लिया है, किसानों को भी जो लिख कर देना था वो लिख कर दे दिया है। बाकी अब जो बचे हैं उनका तो सर वो अनिवार्य आधार पर प्रीमियम कटेगा उनके लोन अकाउंट से। वो तो हमारा कंसर्न तो नॉन लोनी वाले का है। जी सर, नॉन लोनी वो टर्न अप हों फिर CSC वगैरह उसे वो लिंकअप करते हैं, कौन कौन से CSC हर ब्लॉक में वो डिजिनेट करते हैं, वहाँ पे नॉन लोनीज का प्रीमियम जमा होता है तो सर वो सोमवार को टर्न अप होंगे तभी उनको बजा के अंदर, क्योंकि सूचना जारी होने में ही देर हो गई, थोड़ा इसमें पीछे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि सर 31 जुलाई की डेट को कटअप जो डेट है थोड़ी आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन एज ऑफ नॉट 31 जुलाई है तो बस नहीं कर दिया गया है, चाहे वो लोनी हो या नॉन लोनी हो। तो बैंकों में जो केसीसी अकाउंट है अगर आधार लिंक नहीं है तो अनिवार्य रूप से आधार लिंक करा दिया जाए तभी उसको फसल बीमा किया जाएगा, और नॉन लोनी में भी जो CSC के माध्यम से प्रीमियम जमा होता है वहाँ पर भी आधार कंपनी चार फसलें हैं करो 2% से बीमा प्रीमियम की धनराशि है, क्योंकि वो प्रार्थना पत्र अगर वो देगा तो बैंक उसको स्वीकार करेंगे। अगर उसने एक बार लिख दिया दोबारा वो ज्वाइन करना चाहता है उसको मना नहीं किया जाता, लेकिन आखिरी तारीख जो भी कटऑफ योजना की होगी वो मान्य होगी।